जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही अपने YouTube चैनल जिसका नाम है माउंटेन फौजी और मैं हूं आपका फौजी भाई। आज एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हुआ हूं। जिस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का फुल कंपेरिजन वीडियो में होने वाला है। पूरा डिफरेंस इसमें आपको बताऊंगा, कितना इनका सैलरी है, क्या इनका जॉब प्रोफाइल है, कितना छुट्टी मिलता है, कहाँ इनका ड्यूटी होता है, सब कुछ आपका दोनों का कंपेरिजन इस वीडियो में आपको मैं करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर, इन दोनों के बीच जो है क्या डिफरेंस है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों का सबसे जो मेन जो पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है उसके रिगार्डिंग हम इसे कंपैरिजन करेंगे कि हेड कांस्टेबल बढ़िया है कि रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक बढ़िया ड्यूटी है। तो चलिए बात करते हैं कि इनका ड्यूटी क्या है। देखिए दोस्तों, इन दोनों ही पोस्टों का जो अलग अलग ड्यूटी है, अब बात करें कि इनका ड्यूटी जो मेन है, देखिए जो SCM है यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है इसकी पहले बात करेंगे। तो जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होता है दोस्तों, उसकी जो जॉब प्रोफाइल है बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है। उसको जो है पूरा जो अपना काम है, पूरा वर्क जो है ऑफिशियल वर्क होता है, कंप्यूटर पे पूरा दिन बैठ के उनको काम करना होता है टाइपिंग संबंधित, और कहीं ना कहीं वो ऑफिसर से थोड़ा सा टच में रहते हैं क्योंकि ऑफिशियल वर्क जो है ऑफिसर से डिस्कस करने के बाद ही उनको करना होता है। तो दोस्तों ये जो हेड कांस्टेबल का जो जॉब है बहुत अच्छी जॉब है, ये ऑफिशियल आपका वर्क होने वाला है और पूरा दिन आपको जो है टाइपिंग हो गया, फाइलें इधर उधर करना हो गया, किसी लेटर का जवाब जाना है, तो ये सब चीज़ें जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल देखता है। किसी का पेंशन का रिगार्डिंग हो, किसी का छुट्टी बढ़ाने का हो या किसी का छुट्टी करने का हो, तो ये सब ऑफिशियल चीज़ें देखिए। जो भी कैसे बड़े ऑफिस से किसी डाक का जवाब जाना है तो पूरा काम जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल देखता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि रेडियो ऑपरेटर का क्या ड्यूटी होता है और रेडियो मैकेनिक का क्या ड्यूटी होता है। तो रेडियो ऑपरेटर का देखिए ड्यूटी ये होता है कि रेडियो ऑपरेटर को जो है रेडियो को जो मोटरोला सेट होते हैं उनको ऑपरेट करना पड़ता है, तो ये काम होता है रेडियो ऑपरेटर का। और रेडियो मैकेनिक का होता है कि जो रेडियो ऑपरेटर यूज़ करता है, मोटरोला सेट हो गए, अदर भी जो इक्विपमेंट है उसका रख रखाव का जवाबदारी रेडियो मैकेनिक का होता है और उसकी देखभाल, उसको रिपेयरिंग करने का जिम्मा भी रेडियो मैकेनिक के सर पर होता है। और यही फ़र्क है इन दोनों में कि हेड कांस्टेबल जो है वो ऑफिस वर्क करता है और रेडियो ऑपरेटर जो है इनका भी ऑफिस वर्क ही मान लीजिए, लेकिन इनका थोड़ा सा क्या है फील्ड में जाना पड़ता है और रेडियो मैकेनिक जो है ये भी यूनिट में ही रहते हैं और रेडियो की जो रिपेयरिंग का काम या मेंटेनेंस का काम जो है रेडियो मैकेनिक करता है। तो आशा करता हूँ ड्यूटी क्या क्या है आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। देखिए दोनों का जो सैलरी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का, जो इनका जो ग्रेड पे है वो लगभग सेम है। दोनों की जो सैलरी है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की सैलरी लगभग सेम है। आपको लगभग 45,000 समथिंग आपके दोनों पोस्ट में आपको मिलेगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी और रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक में, दोनों में आपका जो सेम है सैलरी, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं है, सैलरी सेम है। अब बात करते हैं छुट्टी की। तो देखिए छुट्टी जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का छुट्टी जो है वो भी सेम है, सेम छुट्टी है, कोई भी आपको इसमें डिफरेंस नहीं है, छुट्टी भी सेम है। अब बात करते हैं कि फैमिली को क्या यहाँ पर फैमिली कौन ज़्यादा समय तक रख सकता है या किसको मौका मिलेगा। देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को कहीं ना कहीं रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक से ज़्यादा फैमिली रखने के लिए मौका मिलेगा क्योंकि इनका जो पूरा जो ऑफिस वर्क है वो यूनिट में होता है, बॉर्डर पे इनको डिप्लॉयमेंट नहीं होता, किसी ऑपरेशन में नहीं जाना होता है, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है ज़्यादातर अपनी फैमिली को साथ में रख सकता है। वही बात करें रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की, तो इनको थोड़ा सा आउटपोस्ट में या फील्ड एरिया में मान लीजिए बॉर्डर पे हो गया इनको जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा इनसे कम फैमिली इनको रखने को मिलता है। तो ये होगा इनका फैमिली में या इन दोनों के जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसका फ्यूचर। देखिए दोनों में ही आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा, तो आपको जाहिर सी बात है आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप सिविल तैयारी कर रहे हो, कोई सिविल एग्जाम दे सकते हो, तो बिल्कुल आपको दोनों में ज़्यादा समय मिलेगा, लेकिन जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसको थोड़ा सा समय ज़्यादा मिलेगा। साथ में एक बात और आपको बता दूँ, इसमें जो फ्यूचर है वो जो हमारी फीमेल्स कैंडिडेट है यानी जो लेडीज़ कैंडिडेट के लिए जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब जो है बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि पूरा वर्क जो है ऑफिशियल वर्क है, आपको कहीं आउटपोस्ट या फील्ड एरिया में जाना नहीं है, आपको ऑफिस वर्क करना है, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है वो कहीं ना कहीं लेडीज कैंडिडेट्स के लिए जो है बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है यहाँ पे। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफर का जो टेन्योर होता है, जो समय होता है, वो दोनों ही रैंक में बिल्कुल सेम होता है। मिनिस्ट्रियल का भी वही है, हार्ड एरिया में 2 साल का हो गया और जो सॉफ्ट एरिया हो गया जैसे प्लेन सिटीज़ में इनका 3 साल का टेन्योर होता है, तो इनका दोनों का लगभग क्या है कि समय जो है कार्यकाल जो है ट्रांसफर का लगभग सेम है। अब बात करते हैं कि इनका जॉब लोकेशन, देखिए जॉब लोकेशन में बहुत यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है बिल्कुल यूनिट में तैनात रहता है, यूनिट में ऑफिशियल्स जो होते हैं इनके वहाँ पर इसको
को जॉब करनी होती है, किसी के मेडिकल के कागजात हो गए या कोई पेंशन संबंधी कागजात हो गए या छुट्टी किसी का लेट है या छुट्टी बढ़ाना है ये सब, या किसी डाक का जवाब जाना है, तो पूरी जो कार्रवाई है ऑफिशियल जो वर्क है यूनिट में चलता है। तो इसलिए हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल जो पूरा इसका जो तैनाती होती है वो यूनिट के अंदर होती है, यानी इनको कोई फील्ड में जाना नहीं होता है। और वही बात करें कि इनका जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो होता है कि जॉब लोकेशन इनका ज़्यादातर जो है आउट पोस्ट में बॉर्डर यूनिट में जो होता है ज़्यादा होता है, और साथ में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इनका तैनाती ज़्यादा होता है, और साथ ही इनको ऑपरेशंस में भी जाना पड़ता है। तो ये बहुत ही यहाँ पर जॉब लोकेशन में इनका डिफरेंस आ जाता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। देखिए प्रमोशन दोनों में ही, दोनों ही पोस्ट में, दोनों ही रैंक में जो है बराबर का प्रमोशन है, साथ में ही प्रमोशन चलता है इनका। वैसे जो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका प्रमोशन रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक से थोड़ा सा पहले इनका प्रमोशन हो जाता है, बाकी अदरवाइज देखा जाए तो लगभग इतना डिफरेंस इसमें है नहीं। अब बात करते हैं कि ड्रेस। देखिए ड्रेस में भी इनका दोनों का सेम होता है ड्रेस, कोई भी यहाँ डिफरेंस नहीं है। एक होता है कॉम्बैट ड्रेस जो चितकबरा जिसको बोलते हैं, जो पहनी जाती है ऑपरेशंस में या कोई जंगल एरिया में या बॉर्डर जो पोस्ट होती है वहां पर, और बाकी जो ऑफिस में है दोनों की जो है खाकी वर्दी यानी जो सर्मोनियल ड्रेस जिसको बोला जाता है वो दोनों ही पहनते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो मेरे हिसाब से मेरे को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है कहीं ना कहीं रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक से थोड़ा सा थोड़ा सा जिसका जो है एडवांटेज इसका जो ड्यूटी का देखते हुए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के तुलना में। तो ये कंपेरिजन वीडियो में कई मुझे कमेंट में पूछा जा रहा था कि कौन सा इसमें बेस्ट है, क्योंकि अभी रेडियो मैकेनिक का भी अभी प्रोसेस चला हुआ है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी प्रोसेस चला हुआ है। तो कई दोस्त जो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, तो उस लिए ये कंपैरिजन वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने तजुर्बे अपने एक्सपीरियंस से बनाई है, क्योंकि एज अ फोर्स मेंबर हम इनके साथ ड्यूटी करते हैं, हम इनके साथ बिल्कुल तैनात रहते हैं। तो मुझे इन दोनों के ही जॉब प्रोफाइल के बारे में बिल्कुल नज़दीक से हमने देखा है और इनके साथ हम रहते हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको एक कंपैरिजन वीडियो में पूरा कंपेयर करके दिखाया जाए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दीजिए आपके फौजी भाई को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।